हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शैडो फाइल के बारे में। इसमें मोस्टली थ्योरी है, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे लिनक्स में passwd फाइल है जिसमें यूज़र के बारे में डिटेल होता है। मैंने passwd टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो। शैडो फाइल में यूज़र के पासवर्ड के बारे में डिटेल होता है और इसको सिर्फ सुपर यूज़र और रूट यूज़र ही देख सकते हैं। नॉर्मल यूज़र इसको नहीं दे सकता। इसमें हर एक लाइन नो फील्ड में सेपरेटेड होता है कोलन के द्वारा। फर्स्ट फील्ड को बोलते हैं यूज़र नेम, ये बताता है यूज़र का नेम। सेकंड फील्ड को बोलते हैं पासवर्ड हैश, ये बताता है यूज़र का पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग हैश का यूज़ होता है। थर्ड फील्ड को कहते हैं लास्ट पासवर्ड चेंज, ये बताता है कि उस यूज़र का पासवर्ड लास्ट कब चेंज हुआ था। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 जनवरी 1970 से। फोर्थ फील्ड को कहते हैं मिनिमम पासवर्ड एज, ये बताता है कि हम कितने दिन बाद फिर से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर उसको हमने आज चेंज किया है। अगर यहाँ 0 है, इसका मतलब ये है कि इसका पासवर्ड हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर 3 है, इसका मतलब इसको हम 3 दिन बाद चेंज कर सकते हैं अगर इसको हमने आज चेंज किया है तो। फिफ्थ फील्ड को कहते हैं मैक्सिमम पासवर्ड एज, ये बताता है कि हमें कितने दिन बाद पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। सिक्स्थ फील्ड को कहते हैं पासवर्ड वार्निंग पीरियड, ये बताता है कि कितने दिन पहले हमें वार्निंग मैसेज आएगा पासवर्ड एक्सपायर होने का। सेवन्थ फील्ड को कहते हैं पासवर्ड इनएक्टिविटी पीरियड, ये बताता है कि पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद हम कितने दिन तक यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। एट्थ फील्ड को कहते हैं अकाउंट एक्सपायरेशन डेट, ये बताता है कि हमारा पासवर्ड कितने दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। इसको 1 जनवरी 1970 से कैलकुलेट करते हैं। नाइन्थ फील्ड को कहते हैं रिजर्व फील्ड, ये वाला हमेशा एम्प्टी रहता है, इसको आगे के लिए रिजर्व करके रखते हैं। ये तो था थ्योरी पार्ट में। मैंने बताया था सिर्फ रूट यूज़र ही जो होता है शैडो फाइल को देख सकता है। तो शैडो फाइल प्रेजेंट होता है /etc/shadow-file। etc जो होता है वो मैं डायरेक्टरी होता है और शैडो जो होता है मेरा फाइल का नेम है। फिर कैट करूँगा मैं इसको एंटर। तो यहाँ पर जो था आप चेक कर सकते हो, ये जो होता है मेरा यूज़र के बारे में डिटेल है। अब मैंने बोला था कि जो मेरा नॉर्मल यूज़र होता है वो नहीं दे सकता। अभी जो था मैं नो नाइट यूज़र हूँ। अब मैं यहाँ पे कैट कमांड रन करूँगा, क्लैट कैट etc, यहाँ पे आएगा शेडो, एंटर। तो यहाँ पे मुझे कह रहा परमिशन डिनाइड। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं जो होता आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।